हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैपी जर्नी। कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हम लोग ने बनारस के बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि कुछ था नहीं बनाने लायक। हम लोग कहीं गए भी नहीं, इतनी धूप, बाय गॉड मन नहीं कर रहा था बनाने का। और आप ऐसे भी कुछ देखते देखते तो हैं नहीं, सब्सक्राइब तो करते नहीं है, तो फिर बनाने का क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी हमने सोचा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए आज हम फिर से आ गए हैं एक और ब्लॉग बनाने। घूमने आए हम लोग क्योंकि सुबह मौसम अच्छा था, अभी ख़राब हो गया जब वीडियो शुरू करी है। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग हैं आर्य नगर में। यार ये गोलगप्पे मेरे सामने क्यों आ जाते हैं? मैं इनसे दूर जाती हूँ और ये मेरे सामने आ जाते हैं। हम लोग इधर आए और ये रोड बंद है क्योंकि मेट्रो बन रही है। टूट 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 मेट्रो बन रही है। अब हम लोग वापसी जा रहे हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, प्रखर हॉस्पिटल, लेकिन मुझे किसी में भर्ती होने का कोई शौक नहीं है। अरे ये नया खुला है क्या मैक्स? ये मैक्स मॉल खुला हुआ है, मैंने आज देखा। यार कैसी ब्लॉगर हूँ मैं भाई। किसी को दारू पीनी है तो आर्य नगर मॉडल शॉप है ये, बैठकर पीने की उचित व्यवस्था है, कृपया आकर पी लीजिए। ठीक है, एक काम कर, ये ले पौवा दे दे गरम का। ठीक है, टिंग टोंग, ये है बाटा का शोरूम। और अब हम आ चुके हैं स्वरूप नगर। और अगर आपने स्वरूप नगर की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाई थी, तो कृपया करके देख लीजिएगा। और ये आ गया कुकड़ नुक्कड़। यहाँ पे तो सारी चीज़ें ही फेमस है, बट मुझे कुकड़ नुक्कड़ का चिकन बहुत अच्छा लगता है। ये हम आ गए हैं मोती झील। ऊपर मेट्रो का काम बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कानपुर में मेट्रो का क्या यूज़, क्योंकि इतना छोटा सा कानपुर है, उसमें भी बीच में मेट्रो घुसेड़ दी है। आपको कैसा लग रहा है फिर से कानपुर देख के? अभी आपने बनारस का ब्लॉग देखे होंगे, कैसा लग रहा है आपको फिर से कानपुर देख के? मज़ा आ रहा है? तो जोश प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिर पे है धूप, सिर पे। हाय राम, अब तो चली जाओ। क्या सोच के निकली थी मैं, आज मौसम अच्छा है। ये भगवान क्या जुलुम है। और बहुत मिन्नत करने के बाद धूप चली गई। अच्छा लग रहा है मुझे, भगवान मेरी सुनते है कभी 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 हाँ कभी कभी। कानपुर खत्म हो चुका है, एकदम खत्म। लेकिन खाने पीने वाली जगहें बाकी हैं। देखो सब चूस चूस के खा रहे हैं। गुप्ता स्वीट्स एंड नमकीन। ये देखिए पंजाबी चाप भी आ गया। यहाँ हमने चाप खाई थी, इसकी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और ये आ गया बिरयानी बाय किलो। यहाँ पे आपको किलो में बिरयानी मिलेगी। बिरयानी बाय किलो को हमने अभी तक कवर नहीं किया है क्योंकि किलो में बिरयानी मिलेगी और मैं इतनी थोड़ा खाती हूँ। और यहाँ लगा हुआ है जाम। हम पहुँच चुके हैं फजलगंज। ये मुझे रास्ता इसलिए बिल्कुल याद है क्योंकि पिछली वाली जो जॉब थी वो मेरी यहीं थी। तो अब हम लोग आ चुके हैं गोविंद नगर और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे एकदम सीधा बाईपास जाएंगे। बाईपास 57 रेड स्क्वायर में खुल चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके खाइए क्योंकि हमने वीडियो बनाई भी नहीं है। और ये देखिए मद्रासी डोसा भाई साहब, वो देखिए मूर्तियाँ, गणेश चतुर्थी आ रही है ना, ये देखिए मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ। यहाँ पे आपको अच्छी मूर्तियाँ मिल जाएंगी, कितने सारी यहाँ पे हैं अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ। यहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई है। अगर आपको मूर्तियाँ लेनी है भगवान जी की तो गोविंद नगर के सीधे आप जाएंगे बाईपास वाली रोड पे, तो आपको बहुत ही सारी दुकानें मिल जाएंगी मूर्तियों की, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी दुकानें हैं। अब हम लोग पहुंच रहे हैं बर्रा बाईपास चौराहे पे। ये देखिए एगलेस बेकरी, ये बेकरी है यार, राम मिष्ठान भंडार, यहाँ का टेस्ट किया जाए कुछ। और ये हम पहुंच चुके हैं राम मिष्ठान भंडार और हम बाईपास बर्रा चौराहा पे पहुंच चुके हैं राम मिष्ठान भंडार। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी है क्या बताऊँ, सब ठूस रहे हैं। यहाँ से मुझे दिख रहा है गोल गप्पे और टिक्की जो कि बिल्कुल अनहेल्दी हैं, हम वो नहीं खाएंगे। कुछ हेल्दी देखेंगे, नहीं मिला तो कुछ नहीं।
यहाँ कुछ हेल्दी हमें मिला नहीं है। अब राम मिष्ठान में तो हेल्दी कहाँ ही हम उम्मीद रखें, गोलगप्पे खाएंगे, यही है जीवन में। गोलगप्पे वाले भैया आ नहीं रहे और बदरियाँ तीन चार दिन मेरे लिए पूरा ठेला छोड़ गए। ये पानी गोलगप्पे अच्छे थे लेकिन थोड़ी मुझे मिर्ची ज़्यादा लगी, बट गोलगप्पे अच्छे थे। तो ये बताशे आपको मिले 15 रुपए के 5। अगर आप यहाँ रहते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं रहते तो इतनी दूर से आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग घूम रहे थे इसलिए आए हैं खाने, वैसे खाने तो नहीं आए थे बट खा लिया। अब हम राम मिष्ठान भंडार को बाय बाय कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा रुकेंगे तो ज़्यादा खाने का मन करेगा, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब हम लोग जा रहे हैं वापस और मुझे एक और काम है, मुझे अपना एक गाउन लेना है राजकमल से। मौसम बहुत ही सुहाना हो चला है, यहाँ पे आकर आप ले सकते हैं मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी। और वो देखिए काला बादल मुझे दिख गया है, इन पेड़ों के बीच से मुझे काला बादल दिख रहा है। राजकमल, पहुंच चुके हैं हम राजकमल परेड। यहाँ पे मैंने गाउन पसंद किया था, वो मैंने थोड़ा ऑल्टर वॉल्टर करने के लिए दिया हुआ था, तो जा रही हूँ ऊपर गाउन लेने, मिलती हूँ मैं आपको। मैं आ गई लेके, ये मेरा है गाउन और इसको हम पहनेंगे बाद में। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं राजकमल के साथ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कैसी लगी आपको जापे की हैप्पी जर्नी, तब तक के लिए टाटा।